मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम में क्या कुछ अंतर देखा जाने वाला है, कैसा तापमान रहने वाला है, किस तरीके का मौसम मध्य प्रदेश में देखा जाएगा, क्या आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं और क्या आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल, यानी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कैसा तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ठंड का काफी ज्यादा असर दिखना शुरू हो गया है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते कई जिलों में ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है और इन हवाओं का असर जो है वो ग्वालियर चंबल अंचल पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर और दतिया में प्रदेश की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया और मौसम विभाग की माने तो इस तरह की सर्दी 13 और 14 दिसंबर को रहने वाली है। ग्वालियर और दतिया के अलावा की बात करें तो शिवपुरी में रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, श्योपुर में 8 डिग्री, भिंड में 8 डिग्री, मुरैना में 9 डिग्री और खजुराहो में 9 डिग्री सेल्सियस रहा। गुना की बात करें तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, छतरपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस और सीधी में 10 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान रहा। जिले का सबसे कम तापमान ये रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे रात का तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में जो पारा है वो 10 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल, जबलपुर, दमोह के तापमान में खासा अंतर देखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2 दिनों तक किसी तरह के हालात बने रहेंगे। 14 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और फिर ठंड कम पड़ेगी, लेकिन शीतलहर की संभावना अभी नहीं बन रही है। कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और अलग अलग जिलों के तापमान की बात की जाए तो अब भोपाल में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 10.9 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी में 7.5 डिग्री सेल्सियस, उमरिया में 8.4, गुना, रायसेन, रीवा में 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। खजुराहो, टीकमगढ़ में 8.8, राजगढ़ में 9.1, सागर में 9.4, सतना में 9.6, शाहजहाँपुर में 10.5, दमोह में 10 और इंदौर में 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दिन का तापमान लगातार अधिकतर जिलों में 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम पूरी तरह शुष्क है। हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर कोहरे की संभावना जताई है। छतरपुर जिले और इसके आसपास के जिले में काफी ज्यादा कोहरा छाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा और इसके चलते मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा ठंड होगी। हालांकि 14 दिसंबर से एक बार फिर मौसम में परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगने जा रहा है। इसके चलते शुरुआती तौर पर जहां तापमान में गिरावट कम होगी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने के बाद अचानक से तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट होगी और मध्य प्रदेश में 20 दिसंबर तक काफ़ी तेज़ी से ठंड का एहसास होगा। लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।